और अभी हम लोग आप लोग को बता देंगे हम लोग कैसा डेकोरेट करने वाले। निधा बताओ जरा। तो गाइस फाइनली अब हुआ है पूरी तरह से रेडी। मेरी निधा भी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी ओबीडियंट। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक नानी नाना को। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस कल रात में आप लोगों ने देखा कल का व्लॉग, हम लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। बट गाइस फाइनली हम लोगों ने कैसा कैसा हिम्मत करके व्लॉग बंद होने के बाद कोशिश की कि हम लोगों ने गाइस इतने सारे जो है 50 डब्बे रेडी किए गाइस। बट ये भी डब्बा पूरा रेडी नहीं हुआ है ना निधा? क्यों नहीं रेडी हुआ है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग को मिठाई डालनी है, हमने कल रात में इसलिए नहीं डाले बिकॉज मिठाई खराब हो जाती है। और हमें एक और चीज ऐड करनी है, वो बता दो वैसे भी लेने ही जा रहा हूँ ना वो मैं। तो उसमें एक और चीज कैंडल सेंटेड कैंडल ऐड करनी है, और जोहान का जो बना हुआ कार्ड है वो ऐड करना। और हाँ वो तो भूल ही गया यार मैं। देखे तो गाइस मैं चाहता हूँ फटाफट मार्केट, वहाँ से मुझे लेना है सेंटेड कैंडल जो की हम लोग अंदर रखेंगे और जब घर पे लोग जलाएंगे तो लोगों को जोहान की खुशबू आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे खुशबू। और मुझे मैसेजेस भी आना चालू, डीएम आना चालू होगा ये पूछने के लिए कि आपने 50 पैकेज जो बनाया लैंप पर उसमें कितनी कॉस्टिंग पड़ी है। बताएंगे गाइस, सब बताएंगे, पहले हम लोग का कंप्लीट हो जाने दो काम। मैं जाता हूँ, कैंडल लेता हूँ, मिठाई लेता हूँ और कार्ड लेता हूँ और फटाक से जाके बांटने निकलता हूँ। ठीक है चलो बाय बाय। फाइनली मैं आ चुका हूँ कैंडल्स लेने के लिए, मैं घर से उतरा फटाफट और मुझे ये वाली कैंडल्स गाइस पसंद आई है। देखो मस्त छोटी छोटी है जो हमारे डब्बों में भी आ जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से इतना सारा जो सामान है वो मेरी प्यारी सी बाइक पे कैसा आएगा गाइस, वो तो देख लेंगे। इसके बाद मुझे जाना है मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेने के बाद मुझे जाना है ग्लॉसी पेपर प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि गाइस वो जो कार्ड्स है स्पेशल कार्ड्स वो भी हमें देना है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं बाकी का काम हो पाता है कि नहीं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ लेने अभी मिठाई यहाँ पर, और गाइस जितनी भी मिठाई आती है यहाँ पर मैंने सब कुछ ले लिया, पूरा खाली कर दिया हूँ, सब वहाँ पे पड़ी है। उन्होंने बोले कि अगर आप 2-3 दिन पहले हमें ऑर्डर दिए होते तो हम एक ही कलर की आपके लिए बनाते, बट यहाँ पर टाइम की वजह से हमें नहीं हो पाया तो सब अलग अलग कलर के लिया मैंने। अब इसके हिस्से में जो आए वो नसीब उसका। फाइनली इतना सारा सामान लेके मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी हम लोग आप लोग को बता देंगे हम लोग कैसा डेकोरेट करने वाले। निधा बताओ जरा क्या कर रहे हैं अपुन? हम लोग कर रहे हैं मिठाई की अभी डाल रहे, पैकिंग डालेंगे मिठाई की। और मुझे समझ में नहीं आ रही है, मिठाई बड़ी बड़ी, बॉक्स छोटा पड़ रहा है। हाँ। क्या करूँ? तो फैला फैला के डाल दो, और क्या, और एक तोड़ के डाल दो बीच में। ये नहीं अच्छा रहेगा। तो गाइस मिठाई जाएगी, मिठाई के साथ में जाएगी अंदर ड्राई फ्रूट की पोटली, और अंदर जाएगी और भी चॉकलेट्स आएगी गाइस, यहाँ से चॉकलेट्स आएगी बहुत सारी, और ये वाली कैंडल आएगी गाइस ये पोटली में, और गाइस जाएगा हमारा ये। फ्रॉम वी आर प्लीज टू अनाउंस द बर्थ ऑफ आवर बेबी बॉय जोहान, अल्हम्दुलिल्लाह, 17th Jan 2024, लव फ्रॉम सुफियान निदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस चलो अभी पूरी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके निकलते हैं बाहर बांटने के लिए। और बांटने के बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि हमें बताओ सबका रिएक्शन क्या होता है देखने के बाद, तो हम लोग वो भी बताएंगे आप लोग को। ठीक है चलो पैकिंग चालू। सो गाइस फाइनली हमारा हैम्पर रेडी है, हम लोगों ने जो पेपर है इसके ऊपर रखे ताकि इंसान मिठाई देखने के लिए पेपर उठाओ पड़े कि क्या लिखा है। नाइस आइडिया। देखिए चलो माशाल्लाह हो गया रेडी, कैंडल भी आ गई, चॉकलेट भी आ गई, ड्राई फ्रूट भी आ गए, और अब जाएगा इसके ऊपर ढक्कन। वो तो मैं भूल ही गया था जो लगेगी यहाँ पर। लगा दो। पकड़ो तुम ही पकड़ो। तो गाइस फाइनली अब हुआ है पूरी तरह से रेडी बो के साथ, अब अच्छा लग रहा है माशाल्लाह मस्त है। सो गाइस फाइनली मुझे जो चाहिए था मेरे दोस्त लोग को बांटने के लिए वो उतना हिस्सा मैंने ले लिया गाइस, यहाँ पर मेरा रेडी हो गया है तैयार। और यहाँ पर आंटी भर रहे है पूरा सामान, यहाँ पर निधा भर रही है पूरा सामान, मैं लेके निकला, और गाइस अभी तक यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, मेरी मम्मी भी लेके चले गए जिनको बाहर जाके बांटा था, मम्मी कुरला चले गए। धीरे 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 हम लोग आज पूरे 50 डब्बे पहुंचाएंगे, सबको बांटेंगे। तो चलो आता हूँ, बांटता हूँ और सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं घर से निकला था सबको गिफ्ट देने के लिए, और सबसे पहला मैंने गिफ्ट का स्टॉप लिया हूँ कहाँ पे, टोनियन गाय में शैगी के यहाँ पर। और गाइस यहाँ पे मैं सोचा था कि मैं यहाँ पर आके गिफ्ट दूंगा, बट यहाँ पर आके मुझे बड़ा गिफ्ट मिल गया गाइस, यहाँ पर सरप्राइज है ऑलरेडी जोहान के लिए माशाल्लाह। और ये भी है गाइस, क्या बात है, थैंक यू सो मच शैगी, निधा देखेगी बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहला मैं दूं कि पहले केक काट दूं, वो समझ में नहीं आ रहा, तो पहला मैं देता हूँ क्योंकि मैं पहला आया। तो ये रहा छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये जोहान की तरफ से, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस अभी जोहान का केक काट लेते हम लोग। सो गाइस ये तोहफा जोहान को मिला है फ्रॉम ब्लॉन्डी सलून एंड टोनियन गाय सलून, हमेशा ये लोग टेक केयर किए मेरे बालों का, हमारे फेस का, और इंशाल्लाह आगे जोहान का भी वही करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत छोटा सा प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस ऑन बर्थ ऑफ योर ब्यूटीफुल सन, बेबी बॉय ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड स्पेशल डेज ऑफ फन। ओह माय गॉड वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज तालियां बजा दीजिए।
कांग्रेचुलेशंस सुफियान भाई और नीरा दीदी फॉर योर सन। थैंक यू सुफियान और नीरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे, बच्चे को भी अच्छा। जोहान, जोहान नाम है, जोहान, माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली मैं टोनियन गाय से निकल चुका हूँ बाल बाल कटवा के, और अब मैं आया हूँ मेरे दोस्तों के यहाँ पर गिफ्ट देने। ओ व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या देख रहे हो भाई तुम लोग, अरे मारे, अरे ये क्या है भाई, क्या बोलते भाई लोग, कैसे हो? पुनीत सुपरस्टार भाई लोग, जरा मैं तुम लोग के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, लड़का हुआ उसकी खुशी में, माशाल्लाह। तेरे लिए नहीं है, एक एक करके, एक एक करके सब। अभी यहाँ पे चार है, दो लोग नहीं है, तो दो लोग का प्लीज मुस्तकीम यू हैंडल, ठीक है गाइस। जो भी इंसान यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता, हम लोग उसको मुस्तकीम के हाथ में देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुस्तकीम बराबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देता है। वो बात अलग है, वो तो नहीं मालूम मेरे को। ये दो तू भाई रख ले, एक अरबाज का है और एक शानूर का है, ठीक है, तू देख लेना उसको, देखो तो, देखो तो कैसा लग रहा है हैंपर, बहुत मेहनत से बनाया भाई सबके लिए। ये लोग की बैठक है, यहाँ पर लोग हमेशा बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। कॉलेज के बाद गाइज मैं खाली अलग हो गया, बाकी ये लोग सब गाइज अभी भी साथ में बैठे हैं। माइक देखो यहाँ पर उन्होंने पूरा सेटअप किए, पीएस भी लगाया, टीवी भी लगाया, कबर्ड ओबर, गद्दे वद्दे लेके आए गाइज यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा, पंखा भी है, लाइट लाइट है भाई। तो गाइस बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोग चाचा बन गए हो, मुबारक हो। अरे मेरे को मुबारकबाद दे, शुक्रिया क्या बोल रहे हैं। और गाइस इसकी भी शादी हुई, आप लोग ने व्लॉग में देखे रहोगे, और गाइस इसका बच्चा होना चाहिए था, अभी तक पढ़ाई करते हुए ये खुद पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है अभी तक। तो अम्मी कुछ सुफियान को बोलना चाहती है, मैसेज देना चाहती है, तो मैं उसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सुफियान तक पहुँच जा रहा है। क्या बोलते हैं अम्मी? एक दादी दूसरी पर दादी को पोते के लिए गिफ्ट दे रही है। अरे वाह, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जोहान, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हाँ, मेरा सुफियान का बेटा बनकर आया, तेरा नाम रोशन हो, तेरे माँ बाप सदा खुश रहे, दादा दादी खुश रहे, पूरे दाऊद खान की फैमिली को खुश रखे। जोहान तेरे से मैं यही उम्मीद करती है, अल्लाह ताला मेरे जोहान को बहुत अच्छा सारा इल्म दे, खिदमत गुजार बना, जिस तरह से मेरे सुफियान है वैसे ही मेरे जोहान के नाम रोशन करे। मेरी निदा भी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी ओबीडियंट, और बहुत अच्छी बीवी है, ऐसी बीवी सबको नसीब करे, और ऐसा शोहर भी बहुत नसीब करे, ऐसा तुम लोगों ने जैसा भी ब्लॉग में बताए। और हम लोग सास ससुर, तुम है ना मेरा बेटा है, ये इरफान है, शफाना, ऐसे तो मेरे बहुत सारे बेटे, लेकिन ये बहुत चैती बहू करके नाम है इसका। अल्लाह सदा खुश रखे आप लोगों को। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे वापस से, सामान दे के सबको, और अभी गाइस आंटी जा रहे देने के लिए बहुत सारे लोगों को, तो आंटी ये सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करके लाना प्लीज, ठीक है। और गाइस यहाँ पे निदान है माशाल्लाह, मस्त सेटअप की है। अब मैं भी यहाँ से लेके जाऊंगा और डब्बे मेरे दोस्तों के लिए, जो दोस्त मेरे यहाँ पर है सब लोग अवेलेबल, तो चलते हैं जरा, और बाद में गिफ्ट भी खोल के देखते हैं तो शैगी ने हमें क्या गिफ्ट दिए अंदर, लेट्स सी। तेरे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिए, तेरे साथ साथ हम लोग को भी मिला है, फिर तू भी रानी बन गई है ना? ऑफ कोर्स रानी बन गई मैं। और निदा तो माशाल्लाह बहुत खुश है, माशाल्लाह, अरे ऑफ कोर्स खुश होने की बात है। सो गाइस फाइनली मम्मी भी आ चुकी है ये सब सामान जाके बांटने के लिए, कुरला बांट के आए, ठीक है, है ना, ठीक है, चलो तुम लोग जाओ फटाफट बांट कर, सबके रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम लोग के सब कुछ पैकिंग हो चुकी है, यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है गाइस, और आरती भी यहाँ पे आ चुकी है, तो लग गया था आरती को यहीं पर ही थमा देंगे हम लोग, और हमारे घर को आप देख रहे हो, घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है गाइस, साफ सफाई भी करनी है अभी, चलो ना आरती को थमाओ, रुक जाओ, प्रथा करती हूँ, गोद बढ़ाई, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज एक्सक्लूसिव वाला मिला, दिस इज एक्सक्लूसिव, खोल के देखो आरती को सब भर भर के मिला है, यहाँ पे बैठ के हम लोग से भरवाई बोली, ये मेरे को अच्छा लगा, मैं बोली निदा ही भरेगी अपना हाथों से मेरे लिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस, यू आर वेलकम। सो गाइस अभी दे रहे हैं चाची को, थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस गिफ्ट, निदा को बहुत बहुत थैंक्स बोलना, निदा और सुफियान को हमारी तरफ से दुआ देना, बच्चे को और माँ को और सुफियान को, तीनों को मौला दोनों को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन, और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, ओहो थैंक यू। सो गाइस टोनियन गाय और ब्लॉन्ड मी सैलून के ओनर शैगी ने हमको ये गिफ्ट दिए है जोहान के लिए, बाहर से इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, और उस पर
लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बर्थ ऑफ योर ब्यूटिफुल सन अ बेबी बॉय ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड स्पेशल डेज ऑफ फन थैंक यू अब इसको खोलते हैं गाइस फटाफट यस इट इज अ जिम मैट अरे वाह मस्त है यार मेरे को क्यूट चीजें बहुत पसंद है थैंक यू सो मच तो गाइस मैं अभी निकल चुका हूँ बाहर दोस्तों को देने के लिए मेरे जो बचे हुए दोस्त हैं और गाइस आज जितने भी लोग मैंने व्लॉग में लिया हूँ ना गाइस वो सब लोग बहुत ही खास लोग हैं गाइस सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये लोग सब ने मेरा बहुत साथ दिए थे सिर्फ खास लोगों को इसके लिए मैंने पहुंचाया हूँ अगर किसी को भूल गया हूँ तो गाइस प्लीज सॉरी माइंड मत करना वीडियो में कॉमेंट कर देना बोलना भाई हमें भूल गया तो भाई मेरे को याद आएगा नेक्स्ट टाइम मैं तुमको भी दे दूंगा तौसीफ भाई आगे उनके बेटे को लेके अरे क्या बात है बेटा अभी मालूम पड़ा कुछ लाया हो तुम्हारे लिए ये लो भाई जरूरत है भाई मुबारकबाद देने का सबको तो जरूरी है वो तो चलो जज़ाकअल्लाह मिलता हूँ इंशाल्लाह ठीक है यहाँ पर अरमान भी आ चुका है अरमान चाचा बनने की खुशी में थैंक यू अरे पगले रो क्यों रहे रेड़ा भांजे के लिए ना मैं वो बना रहा हूँ रोमपर तू खुद एडिट कर रहा है रोमपर में अभी कुछ लिखूं अभी मैं सोच रहा हूँ उसके चल ठीक है बना थोड़े दिन में लाके तेरे घर पे मिठाई खिला सबको ठीक है ओ भाई कहाँ जा ले किधर हो किसके ध्यान में घूम रहे तुम भाई मैं तुम्हारे को ढूंढने गया था शफी भाई आ चुके हैं शफी भाई तुम्हारे लिए चाचा बनने की खुशी में इंशाल्लाह क्या बन गया हूँ मैं माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह और क्या बोलते खैरियत गाइस बहुत टाइम बाद शफी भाई से मिल रहा हूँ मैं गाइस के जितने भी मेरे दोस्त थे सब बहुत खास है हम लोग साथ में बहुत समय इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया गाइस थैंक यू शफी भाई ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया भाई चलो दुआ में याद रखो बच्चे के लिए दुआ करो जोहान के लिए जोहान को बनाए बहुत मुबारक ये बड़े दादा की दुआ थी अल्लाह उनको कामयाब दुआ कबूल करे फाइनली उमरान भी आ चुका है यहाँ पर कैमरा देख के हाय बोलो हाय उमरान तेरे लिए चाचा बन गया थैंक यू भाई माशाल्लाह अबे थैंक यू मुबारकबाद मेरे को दे कमीने थैंक यू मुबारक तू कब शादी कर रहा है वेल गाइस टाइम अबे हिंदी बोल मुझे टाइम है गाइस उमरान भी हम लोग के साथ में बहुत घुमाया बहुत हम लोग का साथ दिया गाइस मतलब मैं बोल रहा हूँ जितने लोगों भी सब खास है मेरे एकदम और सब एकदम मतलब जिगरी है हम लोग थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह आपने जो गिफ्ट दिया अल्लाह पाक सुफियान और निदा के बेटे के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे तुम बच्चों का भी और मम्मी डैडी का भी जानों मिल के अच्छे से हुए और पोते की मोहब्बत और मतलब माँ बाप की मोहब्बत हमेशा बरकरार सो गाइस हम आ चुके हैं चाची के यहाँ पे और चाची के लिए मैंने लाई हूँ गिफ्ट निदा सुफियान की तरफ से तो चाची आपको कैसा लगा गिफ्ट मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की कि मैं तो नानी बन चुकी हूँ और निदा सुफियान भी एक बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे उनको लड़का बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको कामयाबी की सीढ़ियां नसीब करे आमीन 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 सो गाइस मम्मी मिल गए रास्ते में मम्मी सबको बांट दिए हालत खराब हो गई 7 बजे घूम रहे हम लोग अभी कब से घूम रहे हो क्या करेंगे अभी अब्बा गए बेचारे और 2-3 घंटे में तुझे खड़े रहे मैं आता हूँ चलो ठीक है थैंक यू बांट दिए तुम लोग ने निदा की मम्मी भी गए बांटने के लिए अभी वो लोग भी आएंगे तो पूछता हूँ कैसा लगा चलो सबको अच्छा लगा ना माशाल्लाह बहुत दुआ सबने दिए सो डैडी ये निदा और सुफियान ने भेजे माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक नानी नाना को और मेरी तरफ से निदा लड़के के दादा दादी को बहुत बहुत मुबारक जोहान बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा तोहफा है मौला इन दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और इन लोगों को इंशाल्लाह इल्म और मजहबी तालीम की भी को तौफीक अता अता करे माशाल्लाह से इन दोनों को हमेशा खुश रखे और आबाद रखे आमीन को माशाल्लाह से खुश और खुर्रम रखे और दोनों मियां बीवी को भी बहुत तरक्की दे और बच्चे को भी और दोनों को खुदा की हिफाजत में रखे आमीन 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 गाइस बहुत ज्यादा थक गए सबको बांट बूट लिए अब बचे हैं कुछ ही लोग जो कि अवेलेबल नहीं है तो बस अब इतने सारे आखिरी बचे जिसमें से एक है ईशान का अब्रेश का मिसबा का नमीरा का लिस्ट देखनी पड़ेगी हम लोग ने लिस्ट बनाए थे इसके अंदर हम लोगों ने देखे थे किसको किसको देना है हाँ मेरे ख्याल से अड़ोस पड़ोस के भी लोग हैं उन्हें भी देना है तो उनका शायद रिएक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे हमने हर किसी का रिएक्शन नहीं लिया क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो के सामने बात करने के लिए सब वीडियो के पीछे बहुत सारी दुआएं देते हैं तो कोई बात नहीं गाइस दुआ मिल गई बस ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए आप लोग तो पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दी और गाइस आज थी नौशीन के घर में कुंडे की नियाज मैं वहां भी नहीं जा पाया बहुत ज्यादा दुख हो रहा है उस चीज का बट क्या करेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम था इंशाल्लाह जब हमारे घर पर हम कुंडे की नियाज करेंगे अगले साल तब नौशीन को वहां बुलाएंगे और कभी फिर से कोई नियाज भी तो हम जरूर जाएंगे ठीक है गाइस अब देखते किसको किसको देना और फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट सो गाइस फाइनली अरसलान भाई भी आ चुके हैं घर पे तो हम लोग बोले कि क्यों ना अरसलान भाई को लगे हाथ हैंपर भी पकड़ा दे इस्लाम भाई ये कब हुआ
बहुत बहुत मुबारक हो तुमको भाई, क्योंकि एक्चुअली गाइस हम लोग को ना टाइम नहीं मिला था, सबको इतना जल्दी जल्दी हो गया था कि हम लोग किसी को मिठाई उठाई नहीं बांट पाए, कुछ कर नहीं पाए। हालांकि मुंह मीठा कराए थे बट एक प्रॉपर तरीके से मुंह मीठा नहीं किए थे, तो वो इस बार की खुशी और इतने सारी जिम्मेदारी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। फाइनली सब कुछ हो चुका है हमारा, सब बट बुट के हो चुका है खत्म। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई लोगों के साथ हमारी खुशी बांट के, और लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि हमने उन्हें याद रखा। सो गाइस चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बस बहुत हुआ। और जुहान भी उठ चुका है गाइस, रात के बज चुके हैं 4। बहुत जल्दी आप लोग को रूटीन ब्लॉग भी आने वाला है कि दिन में कितनी बार जुहान उठता है, कितनी बार हमें परेशान करता है, कितनी बार हम उसको परेशान करते हैं, कितनी बार हम खुद परेशान होते हैं, सब पता चलेगा आप लोगों को। थैंक यू। क्या हो गया बेटू, क्या हो गया का बेटा, कौन है जोहान? गाइस मेरे जोहान के लिए गाना निकालो, क्या गाना है वो? डैडी का बेटा कौन है जोहान, एटीट्यूड वाला कौन है जोहान, मस्ती खोर कौन है जोहान। गाइस बहुत अच्छा गाना, अगर आपके बच्चे का नाम जोहान है तो प्लीज ये गाने को जरूर ट्राई करना, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। Thank you.